गाइस सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, इस वीडियो के अंदर अपन जानने वाले कि आपको एंट्री किस तरीके से प्लान करनी है, क्या क्या चीजें आपको देखना है, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करना है। अगर वो चीजें आपको नहीं मिलती तो आपको एंट्री प्लान नहीं करना है, और अगर वो चीजें आपके सामने होती हुई आपको दिखती है तो आपको डेफिनेटली एंट्री प्लान करना है, प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर ट्रेडिंग बेस्ड के ऊपर। सबसे पहले तो गाइस आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा, बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, बहुत टाइम बाद, ठीक है। न्यू ऑफिस बनाया जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो इसमें बहुत ज्यादा अपना टाइम चला गया, बाकी अब से वीडियो रेगुलर आएगी, ठीक है, माफी चाहूंगा, दिल से माफी चाहूंगा। तो आज इस वीडियो के अंदर इस काफी खतरनाक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, और बहुत खतरनाक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ठीक है। अभी जैसे कि आप लोग टाइम देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, नहीं देख पा रहे तो अभी आप लोग देख लोगे, अभी 11:30 भी नहीं हुई है, और बहुत से लोगों ने गलतियां की है। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर हमसे ये गलती हुई है, और मैंने आपके सामने उस गलती को फेस करते हुए प्रॉफिट बनाया। सब कुछ आपको लाइव दिखाने वाला हूं। जो लोग बोलते हैं ना मुझे हर बार कि सर लाइव दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, आज मैं उनको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि भैया ये लो आपके सामने। तो आज का दिन है तगड़ा कुछ सीखने का, बहुत खतरनाक चीजें सीखने का, और साथ ही साथ में प्रूफ के साथ में। तो चलिए गाइस, और हाँ गाइस, दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप सभी लोग मेरे से इतना प्यार करते हो, ठीक है। और एक चीज और बोल देता हूँ गाइस, ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन नहीं हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहीं से जाके ज्वाइन होना है, क्योंकि मेरे नाम से ऑलरेडी बहुत सारे फर्जी टेलीग्राम चैनल चालू है, तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। चलिए देखो, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ। टाइम आप लोग नीचे देख सकते हो, 11:25 हुई है अभी, 11:25 हुई है, और बहुत से लोगों ने अभी इस मार्केट के अंदर लॉस भी किया, तो बहुत से लोगों ने भैया यहाँ पे मोटा प्रॉफिट भी बनाया, मोटा पैसा भी बनाया। जी हाँ गाइस, मोटा पैसा भी बनाया, बहुत से लोगों ने मोटा पैसा बनाया, बहुत से लोगों ने लॉस किया। लॉस करने के पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ, और प्रॉफिट करने के पीछे क्या मेहनत है, क्या चीजें देखी गई है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरा आज का ट्रेड मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैंने अभी ट्रेड किया, ठीक है, सब कुछ लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, आपको क्वांटिटी हाइड कर दी गई है, क्वांटिटी आपको नहीं दिखाई जा रही है कि मैं कितनी क्वांटिटी से काम करता हूँ। उसके पीछे का लॉजिक कारण ये है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे मेरी क्वांटिटी से जज करो, नहीं, मैं चाहता हूँ कि भैया मेरा ट्रेड सही हुआ है या नहीं हुआ, मुझे क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, मेरा लॉजिक सही था, मेरा ट्रेड करने का तरीका सही था, बस वो मुझे चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि लोग मेरी क्वांटिटी, मेरे पैसों को देख के मुझे जज करे, नहीं गाइस, इसलिए ये जो क्वांटिटी है हमने हाइड कर दी है। बाकी आप लोग देखो, हमने 10:09 के ऊपर बहुत से लोगों ने, जैसे ये पहली वाली कैंडल चालू होती है, 9:15 वाली कैंडल चालू होती है, बहुत से लोगों ने देखा यार इतनी बड़ी कैंडल बनी है, यहां से यहां तक की कैंडल बनी है, अपन चलेंगे भैया कहां पे, इसी कैंडल के अंदर एंट्री प्लान करते हैं और डाउन साइड के लिए अपन प्लान कर लेते हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ कहीं पर जाके डाउन साइड का प्लान किया, मार्केट ऊपर गया, एसएल खाया, लोगों का लॉस हुआ, उसके बाद में मुंह लटका के बैठ गए कि सर हमारा तो लॉस हो गया। अरे मेरे भाई, थोड़ा सा कंफर्मेशन तो लेता, थोड़ा सा वेट तो करता यार, ठीक है। देखो वीडियो बहुत खतरनाक है गाइस, ये मैं आपको बोलता हूं, और कुछ भी कमेंट करो पहले वीडियो को पूरा एंड तक देख लो, उसके बाद में जो भी आप कमेंट करोगे दिल से मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा, और मैं खुद उसको अच्छे तरीके से देखूंगा, ठीक है। बाकी कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी और भी चीजें जाननी है, ऊपर व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे तो टेलीग्राम के अंदर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, मैं खुद आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलो तो आप लोग देखो, हमारा सबसे पहले आप लोग हमारा ट्रेड देखो कि हमने ट्रेड कब लिया। हमने जो पहला ट्रेड लिया वो लिया 10:09.16 के ऊपर, 10:09 के ऊपर हमने ट्रेड लिया, 141 के ऊपर हमने बाइंग की, 141 के ऊपर हमने छोटी क्वांटिटी उठाई, उसके बाद में जैसे वो थोड़ा सा नीचे आया हमने फिर से उसको एवरेज कर दिया 130 के ऊपर, फिर दोबारा हमने क्वांटिटी डाल दी, उसको हमने 172 के ऊपर सेल किया। सोचो 172 के ऊपर हमने उसको सेल किया, तगड़ा प्रॉफिट इस ट्रेड के अंदर हमारा हुआ। दूसरा ट्रेड भैया हमने 124 के ऊपर लिया, उसको 157 के ऊपर सेल कर दिया। तीसरे ट्रेड में गाइस हमारा एक छोटा सा लॉस हो गया, 156 के ऊपर उठाया, उसको 124 के ऊपर सेल कर दिया। तो ओवरऑल बात करूं तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इस ट्रेड के अंदर हमको अच्छा खासा पॉइंट मिल गया था, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। लेकिन प्रॉफिट दिखाने का आपको मेरा एक मोटिव ये नहीं कि आपको मैं ये ट्रेड दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि भैया मुझे सब कुछ आता, नहीं, मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बस लॉजिक बताने आया हूं कि मैंने किस तरीके से ये ट्रेड लिया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्या मैंने देखा, क्या मैंने ऑब्जर्व किया, सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। चलो आ जाइए स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ट्रेड आप लोगों ने देख लिया, आ जाइए स्क्रीन के ऊपर देखिए।
हमारा जो पहला ट्रेड था वो तो अभी 10:09 के ऊपर, राइट। अब 10:09 वाली कैंडल कौन सी, एक बार आप लोग इसे नोट डाउन कीजिएगा, 10:09 वाली कैंडल ये रही, ठीक है, मतलब 10:09 वाली कैंडल ये रही, ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये रही। मतलब कहने का मतलब ये है, हमने वेट किया, हमने देखा कैंडल को ऑब्जर्व किया। गाइस सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, इस वीडियो के अंदर अपन जानने वाले कि आपको एंट्री किस तरीके से प्लान करनी है, क्या क्या चीजें आपको देखना है, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करना है। अगर वो चीजें आपको नहीं मिलती तो आपको एंट्री प्लान नहीं करना है, और अगर वो चीजें आपके सामने होती हुई आपको दिखती है तो आपको डेफिनेटली एंट्री प्लान करना है, प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। तो देखो सुबह सुबह गाइस आप लोग देख पा रहे हो, ये 10 तारीख का मार्केट है, आप लोग देख पा रहे हो मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होता है। मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी रेड कलर की एक कैंडल आती है जिसे सेलिंग कैंडल अपन बोलते हैं, या फिर मैं यूं कहूं मार्केट के अंदर बहुत तगड़ी सेलिंग आई थी। पहली 5 मिनट वाली कैंडल बहुत बड़ी बन गई, लगभग ये 326 पॉइंट 327 पॉइंट के आसपास की ये कैंडल है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए मैं कोई जूम नहीं बोल रहा हूँ, सारी चीजें आपके सामने कर रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, देखो आपके सामने ये जो बड़ी कैंडल बनी है कितने पॉइंट की बनी है गाइस, ये देखो आपके सामने, ये देखो लगभग देखो 350 पॉइंट की, या फिर मैं यू कहूँ 300-350 पॉइंट की ये कैंडल बनी है। इतनी बड़ी कैंडल बन जाने के बावजूद भी लोग पता नहीं कैसे किस तरीके से एकदम से ट्रेड प्लान कर लेते हैं। थोड़ा सोचिए, उसको देखिए, कैंडल को ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद में आप लोग ट्रेड प्लान करो, एकदम से ट्रेड प्लान मत किया करो मेरे भाई। चलो अब देखो यहाँ पे बहुत से लोगों ने देखा कि यार इतनी बड़ी रेड कलर की सेलिंग कैंडल आई है, सभी लोग जैसे ये कैंडल नीचे जाना स्टार्ट करती है, जैसे दूसरी वाली कैंडल नीचे जाना स्टार्ट करती है, लोग यहाँ पे भैया पुट को बाय कर लेते हैं, लोग यहाँ पे पी खरीद के बैठ जाते हैं, दोबारा मार्केट ऊपर आता है, एसएल खाता लोगों का बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस हो जाता है, उसके बाद में सिर को पकड़ के या फिर मुझे मैसेज करते हैं कि सर इस गलती की वजह से हमारा लॉस हो गया, मेरे भाई थोड़ा सा वेट कर लेता, दूसरी कैंडल का वेट कर लेता, या तो अगर ये इसका लो ब्रेक करती तो आप लोग एंट्री प्लान कर लेते। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि यार इतनी बड़ी रेड कलर की कैंडल बनी है और अभी तक उसका ना तो लो ब्रेक हुआ ना ही हाई ब्रेक हुआ है, तो आप एंट्री किस तरीके से प्लान कर सकते हो, नहीं कर सकते आप लोग। देखो बहुत से लोगों ने भी टेलीग्राम के अंदर मुझे पता ही, यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर बहुत से लोगों ने स्क्रीनशॉट डाले, किसी ने 1 लाख प्रॉफिट बनाया, किसी ने भैया 10,000 का प्रॉफिट बनाया, बहुत से लोगों ने बड़े बड़े स्क्रीनशॉट डाले, लेकिन प्रॉफिट डालने का मतलब आप उनको देख के ये इन्फ्लुएंस मत हो ये कि यार ये इतना प्रॉफिट कर रहा, नहीं, उसका लॉजिक पकड़ने का मतलब लॉजिक पकड़ा करो कि इस बंदे ने ट्रेड किया तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था जिससे मैं नेक्स्ट टाइम मैं भी इस तरीके से ट्रेड प्लान करूंगा। तो कहने का मतलब ये कि आप उसका लॉजिक समझिए, आप उसके स्क्रीनशॉट देख के इन्फ्लुएंस मत होइए, आप उसका लॉजिक समझिए कि भाई इस बंदे ने ये लॉजिक को लगा के ट्रेड किया है, ट्रेड प्लान किया है, तो अगली बार मैं भी इसी लॉजिक से ट्रेड प्लान करूंगा। इस तरीके से ट्रेड प्लान कीजिए। देखिए हमने किस तरीके से ट्रेड प्लान किया, अब उसके ऊपर आता हूं। देखो मार्केट के अंदर बहुत बड़ी रेड कलर की सेलिंग कैंडल आती है, मुझे पता लग गया था कि मार्केट या तो इसी रेंज के अंदर घूमने वाला है या फिर अपने को इस रेंज के अंदर काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता उसके बाद में नीचे की साइड में आता तो अपन ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर यही से लो ब्रेक करता तो भी यहाँ पे मैं भैया नीचे की साइड में एंट्री प्लान नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे भाई आजकल आप लोग देख रहे हो भैया सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, तो चीजों को समझना है उसके बाद में ट्रेड करना। आज नहीं करोगे कल कर लेंगे, क्या दिक्कत आ रही? आज ट्रेड प्लान नहीं करेंगे कल कर लेंगे, कम से कम पैसा तो बचाना है अपने को, हमारा जो पैसा उसको तो बचाना है कम से कम। तो यहाँ पे देखिए मार्केट के अंदर बहुत बड़ी रेड कलर की एक सेलिंग कैंडल आती है, उसके बाद में मार्केट दोबारा ऊपर जाता है, और 9 ये जो आपको दिख रहा है ना ये स्काई ब्लू वाला, ये 9 EMA हमने लगा रखा है, 9 EMA हमने लगा रखा है। दूसरा ये ब्लैक वाला आपको इंडिकेटर दिख रहा है, ये हमारी स्ट्रेटजी है, ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटजी है जो कि पैरा कमांडो स्ट्रेटजी, ठीक है, उसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। दूसरे इंडिकेटर की बात करूं आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने पिवट पॉइंट लगाया हुआ है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है आप सभी लोगों का उस वीडियो के ऊपर, तो एक बार जाके उसको चेकआउट कीजिए, आई बटन के अंदर आपको मिल जाएगी। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको एक इंडिकेटर लगाना है पिवट पॉइंट, उससे आपका काम हो जाएगा। पूरी वीडियो देखना चाहते हो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी और आई बटन के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए देखो अब हमने किस तरीके से प्लान किया उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, ये 9 EMA के आसपास जाके डोजी कलर की मतलब डोजी कैंडल बनती है, उसके बाद में रेड कलर की कैंडल बनती है। अब ये वाली कैंडल एक बार आप लोग देखिए, एक सेकंड आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, एक सेकंड ये देखिए इस वाली कैंडल को एक बार आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, ये देखिए, ठीक है, इस वाली कैंडल को एक बार अच्छे तरीके से देखिए, ये देखिए मार्केट क्या किया, मार्केट ने ऊपर गया नीचे आ गया, यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बनाई, ये वाली जो कैंडल बनी इस कैंडल के अंदर हमको सबसे ज्यादा कंफर्मेशन मिली। क्यों मिली? कि मेरे भाई देखो यहाँ पे जाके 9 EMA का रिजेक्शन खाता है और यहाँ पे देखो डोजी कैंडल बनाता है, रेड कलर की कैंडल बनाता है, उसके बाद में मार्केट नीचे आता है,
मतलब कि अपने को कंफर्मेशन क्या मिली कि भैया यहाँ से रिजेक्शन खाया मार्केट, अब नीचे की साइड में मार्केट आने वाला है, तो हमने इस कैंडल को देख के भैया हमारी एंट्री प्लान हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हमने ऐसे एंट्री प्लान नहीं किया, हमने कैंडल को ऑब्जर्व किया। देखो एंट्री प्लान करने से पहले बहुत सारी चीजों को देखा करो यार। आप लोग कपड़े लेने जाते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो यार, ये कपड़ा कौन सा है, इसको इसका कलर वगैरह सही है कि नहीं है, इसके पॉकेट कहाँ है, इसका मतलब बहुत सारी चीजें आप लोग एनालिसिस करते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो। शर्ट लेने जाते हो यार, यहाँ से थोड़ा सा ढीला है, यहाँ से थोड़ा सा टाइट है, मतलब थोड़ा सा और मुझे बड़ी साइज चाहिए, छोटी साइज चाहिए। तो ट्रेड प्लान करने से पहले जिस कैंडल में आप लोग पैसा डाल रहे हो, उस कैंडल को तो देख लीजिए, कैंडल में सच में दम है या फिर दम ही नहीं है, कैंडल में पावर भी है, कैंडल में दम भी है या फिर दम ही नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए, एक बार इस कैंडल को देखिए, हमको दिखा कि भैया यहाँ पे देखो लगभग यहाँ पे 10% हिस्सा इधर और 10% हिस्सा इधर, मतलब 80% हिस्से के ऊपर क्या दिखी हमको, बॉडी दिखी, और 10% मतलब 20% हिस्से के ऊपर हमको क्या दिखी, शैडो दिखी। तो भैया हमारी तो कंफर्मेशन डन हो गई, हमको चाहिए क्या, हमको पावर वाली कैंडल ही तो चाहिए। अब जैसे कि ये डोजी कैंडल है, यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे हुआ क्या, ऊपर की साइड में सेड हो, नीचे की साइड में सेड हो, कोई दमी नहीं है कैंडल के अंदर, कोई पावर नहीं है, 50-50 का मामला हो गया भैया, चलेगा तो चलेगा, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता। तो पावर को समझिए, जब आपको दिख रहा है इस कैंडल के अंदर, अब ये वाली ये जो सुबह सुबह वाली 9:15 बजे वाली कैंडल है, लोग इसके अंदर ट्रेड प्लान कर रहे हैं, लेकिन एक बार ये भी देख लो कि यार यहाँ पे लगभग 70% हिस्से के ऊपर क्या है, बॉडी है, और 30% हिस्से के ऊपर शैडो आ चुकी है। तो 30% हिस्से के ऊपर शैडो आ चुकी है, मतलब थोड़ा सा सर कंफर्मेशन तो डाउन है हमारे पास में, मतलब उतनी कंफर्मेशन नहीं है सर, थोड़ा सा कंफर्मेशन डाउन है। मतलब इस चीज को देखो, मैंने हर बार प्राइस एक्शन के अंदर आपको बहुत बार सिखाने की कोशिश की है कि कैंडल को ऑब्जर्व करो यार। अब सब लोग प्राइस एक्शन तो सीख लेते हैं भैया, प्राइस एक्शन के अंदर क्या आ गया, सपोर्ट आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, ट्रेंड लाइन आ गया, ये चीजें सब सीख लेते हैं, लेकिन एनालिसिस ऑब्जर्व करना सबको नहीं आता, ऑब्जर्व करना सबको नहीं आता। देखो मेरे को गाड़ी सब चलाते हैं, लेकिन गाड़ी के इंजन में क्या प्रॉब्लम आई है उसको उसको एक झटके में पहचानना, उसे बोलते हैं भैया सच्चा ड्राइवर। मतलब कहने का मतलब यह कि यार देखो मार्केट के अंदर काम करने हो, एक-एक चीज को देखो, एक-एक चीज को ऑब्जर्व करो। अब ये तो हमने भैया इस कैंडल को ऑब्जर्व किया, क्या देखा कि भैया इसके अंदर क्या है, 20% हिस्से के ऊपर तो भैया क्या है, शैडो है, और यहाँ पे लगभग 80% हिस्से के ऊपर हमको क्या दिखी, बॉडी दिखी, इसलिए हमने इस कैंडल के अंदर ट्रेड प्लान किया। दूसरी हमारी कंफर्मेशन, जब हमने डाटा को देखा मतलब कि ऑप्शन चेन को देखा हमने, तो हमको दिखा कि भैया यहाँ पे पी साइड में लोगों ने सी साइड को मतलब कॉल को बेच रखा है, कॉल को शॉर्ट कर रखा है, लोग यहाँ पे सी साइड में भरे पड़े, मतलब कहने का मतलब क्या है, मार्केट नीचे आएगा। अरे भैया सी को बेच रखा है तो मार्केट नीचे ही तो आएगा ना, ऊपर थोड़ी जाएगा। ऑप्शन चेन आपको आती है नहीं आती, कमेंट करना, मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरीके से मेरे भाई आपको देखना पड़ेगा। लोग पता है गलतियां क्या करते हैं, पहली कैंडल बनी 9:15 बजे कूद जाते हैं भैया ट्रेड प्लान करने, ना इसका लो मार्क किया ना इसका हाई मार्क किया, बस ट्रेड प्लान करने लग जाते हैं। और ये देखो कि यार जब तक इसका लो ब्रेक हुआ ही नहीं तो आपकी एंट्री बनी नहीं, आपने किस बेसिस के ऊपर एंट्री की, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। लोगों ने यहाँ पे मुझे बोला कि सर हमने एंट्री प्लान कर ली, यार एंट्री प्लान करने जैसा था क्या, यहाँ पे एंट्री प्लान करने जैसा था क्या। दूसरा यहाँ पे जब हमने देखा भैया यहाँ पे बहुत से लोगों ने बोला कि सर यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है, अरे तो मेरे भाई हैमर कैंडल बनी है तो इसका मतलब एंट्री बना देने का, मतलब हैमर कैंडल बनते ही एंट्री बना दो, ऐसा थोड़ी होता है। कम से कम यहाँ पे आप लोग फिबोनाची को लगा के देख लेते, फिबोनाची के ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है। देखो यहाँ पे जाता हूँ मैं, फिबोनाची को लगा के आपको दिखाता हूँ। देखो ये होती है ना पहली कैंडल येलो, मैंने इसका येलो ये मार्क कर दिया, येलो ये देखो आपके सामने मैंने मार्क कर दिया येलो। अब आपको दिखा कि भैया यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है, तो आपको पता है 0.5 वाला लेवल मार्केट के लिए बहुत तगड़ा काम करेगा। जब इतनी बड़ी कैंडल आपको दिख रही है तो आप बाइंग साइड में कैसे जा सकते हो, जब इतनी बड़ी कैंडल आपको दिख गई कि भैया सेलिंग वाली बनी है, मार्केट पूरा का पूरा सेलिंग साइड में जा रहा है, तो आप बाइंग साइड में क्यों, मतलब मार्केट के आप बाप हो, मार्केट के आप किंग हो, मार्केट के शेयर हो, मार्केट को आप चलाते हो, आप चलाते हो मार्केट को, ऐसा नहीं है ना। तो एक बार देखो ना यार कि जब मार्केट के अंदर इतनी बड़ी 350 पॉइंट की कैंडल बनी है सेलिंग वाली, तो आप ट्रेड प्लान कर रहे हो कहां पे, सी साइड में, वाह यार अलग ही फंडा है। आप ट्रेड प्लान कर रहे हो सी साइड में, वाह यार मतलब पूरी दुनिया से हटके काम, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप ये एक बार फिबोनाची को लगा के अगर आप देखते तो आपको पता लगता कि यार यहाँ कहीं पर 0.5 वाला लेवल आ रहा है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता तो मैं सी साइड में जाऊंगा, कहां तक के लिए, यहां तक के लिए, उससे पहले मैं सी साइड में नहीं जाऊंगा। ये लो मेरा व्यू भैया डिसाइड हो गया, मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर 0.5 वाला लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगा तो ही मैं सी साइड में जाऊंगा, उससे पहले मैं पी साइड में बैठा हूं।
आपको दिखा, देखो आपको दिखा मार्केट ऊपर जाता 0.5 वाला लेवल, ये रहा अपने पास में, यहाँ कहीं पर जाता मार्केट डोजी बनाता, रेड कलर की कैंडल बनाता, दूसरी वाली पूरी की पूरी कैंडल हमारे फेवर में बनी, पूरी की पूरी कैंडल हमारे मतलब जो जिस तरीके की हमको कैंडल चाहिए थी वो बनी, उसके बाद में मार्केट धड़ाम से नीचे, और हमारे जो ट्रेड थे आप लोगों ने देखा किस तरीके से प्रॉफिट हमने बनाया। तो कहने का मतलब ये है, चीजों को ऑब्जर्व करना सीखो, सारी चीजें देखो, उसके बाद में ट्रेड प्लान करो। बाकी कोई भी चीज आपको सीखनी है, प्राइस एक्शन आपको सीखना है, ऑप्शन चेन आपको सीखनी है, और भी सारी चीजें आपको सीखनी है, कमेंट करना है इस वीडियो के अंदर, अपन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले। तो आई होप गाइस आज की वीडियो पसंद आई, और पसंद आई तो गाइस लाइक जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, और टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो जाके फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में इतना, रखते हैं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।